हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आज हम ये लेक्चर नंबर 8 और फाइनल लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेनली दो प्रॉपर्टी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे, कौन से, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इथेनॉल और एथेनोइक एसिड, आई होप आप लोगों ने खूब सारे इस पे आयुपैक बनाए होंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो अल्कोहल है उस पे, और जो हमारे कीटोन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सब पर आपने आयुपैक बनाया होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। और आज जो है हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसका, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड का। साथ ही साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट एंड मीसल्स। तो ये चारों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल आपका इथेनॉल या इथेनोइक एसिड से क्वेश्चन आता ही आता है, तो जरूर जरूर अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ सारे बच्चे और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। माय नेम इज प्रदीप सक्सेना, ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में, और जिस भी बच्चे को कुछ नोटिफिकेशन या पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 9-10 ज्वाइन करेगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलने वाली है। सत्या शिक्षा 9-10, इसमें आपको सारी अपडेट मिलने वाली है, नोटिफिकेशन मिलने वाली है, ऑल पीडीएफ नोट्स विल बी देयर। तो जल्दी से जाओ, फटाफट से ज्वाइन करो, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, तो वहां पर भी आप क्लास के बाद में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भैया जल्दी से चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट लेक्चर है, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। आई होप आपने इससे पहले के सेशन अच्छे से पढ़े होंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम पर बात करेंगे और मेरे से पूछेंगे, और आई होप कि ज्यादातर बच्चों को नहीं होगा डाउट। और क्या कहते हैं, आपका जो बोर्ड के एग्जाम है वो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी मेहनत से जुट चुके होंगे। तो सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड आपके सिलेबस में है, जिसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ सारे बच्चे और अब हम करेंगे अपना लेक्चर स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल की। तो क्या ये एथेनॉल अल्कोहल के ही तरह है? बिल्कुल, क्या अल्कोहल एथेनॉल एक ही है? नहीं, अल्कोहल अलग है, ठीक है। जो शराब होती है, बच्चे समझते हैं कि भैया ये तो वही अल्कोहल है, ठीक है, ये वो नहीं होता है। शराब में अल्कोहल का अमाउंट मिलाया जाता है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट, ओके। तो ये डिफरेंट होती है, इसको चलो पढ़ते हैं, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो फटाफट से देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, एथेनॉल के बारे में ये आपको याद कर लेना है कि ये आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में ही रहता है। रूम टेम्परेचर जानते हो, 25 डिग्री सेल्सियस, जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, वहां पर ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और इसको कॉमनली हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब सिर्फ वही मत समझना, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा अलग टाइप से। तो अल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको किसी भी सर्दी जुकाम खांसी या कोई और डिजीज के लिए, जो सीरप देते हैं उसमें भी अल्कोहल का कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा ही होता है। कुछ आपकी मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें कुछ नहीं बल्कि मोस्टली मेडिसिन में आपकी अल्कोहल का अमाउंट मिलता ही मिलता है, तो कॉमनली इसको अल्कोहल कहते हैं, और एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ये जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, और इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, किसी भी आप सब्सटेंस में अगर इसे मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से सोलेबल होगा, तो ये अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टेंक्चर, आयोडीन, कफ सीरप्स एंड मैनी टॉनिक्स में ये मिलेगा। सोलेबल होता है वॉटर में इन ऑल प्रॉपर्टीज, वॉटर सोलेबल होता है हर तरीके से, हर तरीके से ये पानी में जो है सोलेबल है, जिस भी प्रॉपर्टी के साथ में आप देखोगे सोलेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है एथेनॉल की, कि सोडियम के साथ में जब एथेनॉल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो कि सोडियम के साथ में रिएक्ट करता हुआ आपको एथेनॉल दिख रहा होगा, तो सिंपल सी चीज, आपका ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, यानी कि CH3CH2, ठीक है, और यहाँ पर आपका ONA+, ठीक है, और यहाँ पर H2O आपका निकल जाता है,
दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, देखो सोडियम के साथ एथेनॉल ने क्या बनाया, सोडियम एथॉक्साइड। रिएक्शन अगर ये करता है टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कब ये एथेनॉल जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखो सोडियम के साथ में तो इसने एक कैसा बना लिया, सॉल्ट बना लिया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ रिएक्शन अगर ये करता है किसके साथ में, अगर इसका डिहाइड्रेशन करवा दिया जाए, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां से हाइड्रोजन निकाल दो, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन क्या है, CH3 और बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन जो होता है वो एच पॉजिटिव, एच जो होता है हाइड्रोजन उसको निकलता हुआ हम देखते हैं। डिहाइड्रेशन में हम H2O का जो है रिलीज होना देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि गर्मी के मौसम में जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो तुम फील करते हो कि तुम्हें डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में वाटर की कमी हो रही होती है उस टाइम पर। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या कह रही है, यहाँ पर कुछ गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, बस एथेनॉल को क्या कर रहे हैं यार, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ये याद रखना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और हॉट है, कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो H2SO4 है, एथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देता है जिसका नाम होता है क्या, अगर आप एथेनॉल लेते हो तो ये बन जाएगा CH2, क्योंकि आपका H2 निकलेगा, डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर बन जाता है H2O। याद रखोगे क्या हुआ, एथेनॉल में जब H2O निकाला गया, कैसे निकला, इसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि H2SO4 के साथ में हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा दी गई, तो यहाँ पर आपका बन जाता है ये एक एल्कीन की फॉर्म में, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एथीन। क्या हुआ है यहाँ पर, सिंपल सा, यहाँ से दो एच निकले, दो एच यहां से निकल गया और एक ऑक्सीजन ये था, H2O निकल गया, तो बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या इतना समझ आया, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन विद सोडियम हुई जिसमें एथेनॉल ने सोडियम से रिएक्शन की और बना लिया CH3CH2ONA पॉजिटिव। सेकेंड रिएक्शन में रिएक्शन हुई ऐसी कि जिसमें डिहाइड्रेशन हो गया, पानी जो है वो रिमूव हो गया, वॉटर रिमूव हो गया, ठीक है, तो उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सी तड़कती भड़कती रिएक्शन देखते हैं। क्या, देखो भाई, एक KMnO4 होता है और एक होता है K2Cr2O7। ये दोनों ही यूज किए जाते हैं किसी भी रिएक्शन में का जो प्रोडक्ट है उसको लाने में मदद करते हैं, मतलब एक कैटलिस्ट का क्या करते हैं, कैटलिस्ट तो नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करवाते होंगे, ऑक्सीडेशन करवाते होंगे। तो आपको सबसे ऊपर हेडिंग क्या दिख रही है, ऑक्सीडेशन की हेडिंग दिख रही है, इसीलिए क्योंकि KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब एथेनॉल की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो एथेनॉल को ये तो लेकर चलेंगे, तो CH3CH2OH है, ठीक है। अब भाई एथेनॉल का जब आप क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो जब भी अल्कोहल का नोट डालो यहाँ पर, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, नोट देखो यार, जब भी आप अल्कोहल का क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो कभी भी करवाओगे तो हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, हमेशा आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब यहाँ पर CH3CH2OH क्या है, एथेनॉल है यानी कि अल्कोहल है। अब K2Cr2O7 KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करवा देंगे इसको, ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये जो हमारा एथेनॉल है ना वो एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, भाई कार्बन का नंबर तो वही रहेगा, तो CH3 हमारा प्रोडक्ट होगा, CH3CH2 और COOH, बस इतना बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे वे में लिखे, अगर तो बॉन्ड ना दिखाए तुम लोगों को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि बच्चों को थोड़ा बॉन्ड दिखा दे तो मजा आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ना दिखाएं, बॉन्ड दिखाने से ये होता है ना, थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आ जाने लगता है कि कार्बन के कितने नंबर है, सही है। चलो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, CH3CH2COOH, राइट right? तो ये बन जाएगा आपका एथेनॉइक एसिड। अच्छा एक मिनट, एक चीज यहाँ पर मुझे आपको बतानी है, एथेनोइक एसिड बनेगा तो एक गड़बड़ हमारी हो गई, यहां पर भैया आएगा CH3COOH, समझे कि नहीं,
कार्बन वही रहे कितने, दो, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो गया, जो अल्कोहल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ है और कुछ तो नहीं हुआ ना। चलो समझ गए आप, समझ गए ना, समझ गए हो गए। चलो भाई तो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड अब देख लेते हैं। एथेनोइक एसिड की बात चलिए, क्योंकि क्योंकि एथेनॉल से हमने एथेनोइक एसिड बनाया, कैसे बनाया, KMnO4 और या फिर KMnO4 या फिर K2Cr2O7 प्लस हीट के साथ में हमने इसको ऑक्सीडाइज करवाया था और हमने एथेनोइक एसिड बना दिया था, राइट। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड देख लेते हैं, थोड़ी सी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब हम थोड़ा सा जाने तो कि एथेनोइक एसिड कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा मिलता है। तो कॉमनली इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो एथेनोइक एसिड होता है उसको कॉमनली हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि आपका जो CH3CH2COOH होता है तो इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, बोला था ना। तो मैंने ये भी बोला था कि वो कॉमन नेम होता है, लेकिन जब IUPAC बनाते हो तो आपको एथेनोइक एसिड पूरा लिखना होता है। तो ये इसका कॉमन नेम है, कॉमनली ये कैसे जाना जाता है, एसिटिक एसिड, ओके। अब दूसरी बात ये है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एसिड्स, इसीलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एसिड से बिलोंग करता है। यानी कि वही बात है ना कि ये जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसी ग्रुप से इसको उसी ग्रुप के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। जैसे आप ही स्कूल में होते हो तो आपके स्कूल में आप जिस ग्रुप में होते हो, अपना फ्रेंड सर्कल आपका खुद का है, तो लोग आपको उस ग्रुप के नाम से जाने लग जाते हैं। वैसे ही कुछ हाल यहाँ पर भी है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बहुत सारे एसिड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा, पेन में जो ये रहा थर्ड, 5-8% जो होता है सोल्यूशन एसिटिक एसिड का वाटर में, उसको विनेगर कहते हैं। यानी कि वाटर में अगर आप 5-8% सोल्यूशन मिला दो तो वो भैया आपका सिरका बन जाता है, विनेगर, जिसको आप बड़े चाव से खाते हो, ठीक है। उसके बाद यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जो अचार होते हैं ना, कभी देखा होगा तो जब मम्मी अचार डाल रही होती है तो लेकर के बाजार से एक और चीज भी आती है, क्या, विनेगर लेकर के आती है। वो विनेगर क्या कर रहा है, वो विनेगर अचार को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। देन बात करते हैं इसकी इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है क्या, समझ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया है आप लोगों को, समझ रहे होगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट। देन आप लिखोगे जब आपका एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी है तो एक और पॉइंट आप ऐड कर देते हो, क्या, कि जो फ्रोजन एसिटिक एसिड होता है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये बड़ा अच्छा सा और यूनिक सा पॉइंट हो गया थोड़ा सा, कि जो फ्रोजन एसिटिक एसिड होता है, जो फ्रोजन फॉर्म में मिलता है, उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको यहाँ पे ना कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो उसको थोड़ा सा समराइज कर लें, थोड़ा सा ध्यान दो। इसको कॉमनली हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ये 5-8% सोल्यूशन में जब वाटर के मिलता है तो इसको हम विनेगर कहते हैं। विनेगर हमारे पिकल्स को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है, और क्योंकि ये बहुत सारे एसिड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो जिस ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, इसीलिए इसको नाम दे देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रोजन एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो ये लिखकर आना है आपको अच्छे से। बात करते हैं अब कुछ एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो पहले जो रिएक्शन आ जाती है आपकी वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इस पे 100% लिखूंगी, 100% से मतलब एक श्योरिटी सी पता नहीं क्यों आ जाती है कि भैया ये आने के चांसेस लगभग 90% से ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको जरा सही से पढ़ करके चले जाओ ना। अच्छा एक बच्चे ने एस्टरीफिकेशन का ना मेरे से एस्टरीफिकेशन का शायद आज या कल में कुछ डाउट आया था उसका और मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ये है बच्चों, बच्चा जल्दी से देखो। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ईस्टर का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और एल्कोहल, यानी कि कोई भी एसिड और कोई एल्कोहल मिलते हैं तो बनाते हैं ईस्टर। अब ईस्टर क्या है यही तो बात है। तो देखो हमने एक तरफ लिया एक एसिड, नाम दे दिया कौन सा, एथेनोइक एसिड लेते हैं क्योंकि बात ही उसकी चल रही है, तो एथेनोइक एसिड लिया हमने CH3COOH, साथ में हमने लिया एथेनॉल, एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH। हमें पता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि
जो आपका एसिड होता है अल्कोहल के साथ में मिलकर के ईस्टर बना देता है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका ईस्टर का फॉर्मेशन रहेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और CH3, ओके। तो ये आपका हो गया ईस्टर। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? तो क्या हुआ कि CH3COOH ने CH3CH2OH के साथ मिलकर के ईस्टर का फॉर्मेशन कर लिया, क्या बना, CH3COO और CH3CH2, साथ में CH2 भी होगा भाई। यहाँ पर कितने बन रहे हैं ना मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक ये और एक ये, C2H5 बच रहा है ना, यहाँ पे C2H5 वो हमने लास्ट में लगा दिया, ये CH3 हमारा ऐसा ही था। क्या हुआ एसिडिफिकेशन के प्रोसेस में, बस ये जो आपका एथेनोइक एसिड था, एसिड था उसमें आपका सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ओ एक और एड हो गया और CH3CH2 ऐसे ही रहा, ठीक है, याद रखोगे, ओके। तो एसिडिफिकेशन में क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ईस्टर का क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ओके, क्लियर। चलो तो बेसिकली जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे ईस्टर की पूछी जाती है, तो सबसे पहली रिएक्शन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी इथेनोइक एसिड की पूछी जाती है, तो आपको ये रिएक्शन तो सबसे पहले ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है, कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल से मिलकर के या कोई भी एसिड अल्कोहल से मिलकर के ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, याद रखोगे, ठीक है, पक्का। चलो तो हमारा यहाँ पे एस्टरीफिकेशन भी डन, ओके। बात आती है प्रिपरेशन कैसे होती है सूप की, क्योंकि ये एथेनोइक एसिड का ही एक पार्ट है भाई, एथेनोइक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्मेशन करवा देता है किसका, सूप का। तो उस रिएक्शन का नाम देते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब है कि जहां पर हम प्रिपरेशन करते हैं सूप की, तो इस रिएक्शन में, इस सपोनिफिकेशन प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन होती है, चलो वो पढ़ते हैं, आओ। तो यहां पर है एथेनोइक एसिड एक तरफ और एक तरफ हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में जो आपका एथेनोइक एसिड होता है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है, CH3CONa+H2, ठीक है, ओके, याद रखोगे। तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन आ जाती है एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ में बनाता है सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, एथेनोइक एसिड सारा मिक्स हो गया। तो एथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट मिलकर के बनाते हैं आपके सोडियम एथोक्साइड, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है किसका, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, एक मिनट बस मुझे देना, या थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर जब हमारे रिएक्शन होती है कार्बोनेट के साथ में, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन होती है जब आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट के साथ में और NaOH की प्रेजेंस में, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारी रिएक्शन ऐसी होती है, फिर से देखो CH3COOH Na2CO3 के साथ में यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिलता है तो बनाता है CH3COONa, राइट। तो आपका ये फॉर्मेशन हो जाता है सोडियम एसिटेट का और साथ में H2O निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो प्रिपरेशन ऑफ सोप होता है वो इस तरीके से होता है, याद रखोगे, ओके। देन अगली रिएक्शन होती है जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ईस्टर, जो आपका ईस्टर भी पीछे बना था, अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दे तो क्या बनेगा। तो इसमें क्या होता है, जब आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इस तरीके से कोई रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, तो आप लिखते हो कि जब हम इथाइल एसिटेट ईस्टर यानी कि कोई भी ईस्टर हमने ले लिया है, सपोज हमने इथाइल एसिटेट ईस्टर ले लिया और उसको NaOH की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड आता है CH3COONa+C2H5OH, यानी कि हमारा एक तो प्रोडक्ट बन जाता है, कौन सा, एक तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम एसिटेट का और दूसरा हमारा एथेनॉल बन जाता है, क्या बनता है, एथेनॉल। तो याद रखोगे कैसे हमें ईस्टर से एथेनॉल बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल NaOH की रिएक्शन, NaOH की प्रेजेंट में रिएक्शन करवा देनी है किसकी, ईस्टर की। सेकेंड रिएक्शन में देखो
जो आपका एथेनॉल है, जो यहाँ पर एथेनॉल बना, वही एथेनॉल एनएओएच के साथ में फिर से आएगा, रिएक्शन करेगा एल्कली से। एल्कली किसको कहा जा रहा है? एनएओएच की, एनए की जो प्रेजेंस है एनएओएच में। तो यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल ओ एच जो है कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, देखो सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस एच टू ओ में, ठीक है। इट्स अ पोनिफिकेशन रिएक्शन, तो अभी हमने पढ़ी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपका इथाइल एसिटेट ईस्टर दे दिया जाए और उसका जो है आपको हाइड्रोलिसिस करने को दे दिया जाए, तो ये रिएक्शन ऐसे बन जाती है, इसमें प्रोडक्ट बनता है सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच, यानी कि एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। तो आपको तीनों रिएक्शन याद कर लेनी है। एक बार पीछे वाली रिएक्शन फिर से देख लेते हैं कि जो आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें एथेनोइक एसिड लिया था, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई थी, तो आपका सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए बना। यहाँ पर देखो सी एस थ्री सी डबल ओ क्या है, सी एस थ्री क्या है, सी एस थ्री एक कार्बन की चेन है, साथ में सी डबल ओ एन ए लगा हुआ है, ये क्या है, एन ए क्या है, एक क्या है, बेस है। तो आपका ये बन जाता है सॉल्ट एक, जो कि सोप के लिए, सोप फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, सोप का फॉर्मेशन करता है। दूसरा रिएक्शन हमने देखी थी जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देखा था, जिसमें ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया गया था, इसमें क्या बना था, इथेनॉल बना था। फिर उसी इथेनॉल को हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फिर से हीट करवाया तो क्या बना, सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए बना, ठीक है, और साथ में वॉटर का रिलीज, वॉटर जो है रिलीज हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में जब हमने इथाइल एसिटेट ईस्टर को NaOH के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बना, सी एस थ्री सी डब्ल्यू एन ए और साथ में एल्कोहल यानी कि एथेनॉल बन गया। तो क्या आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आई? चलो देखते हैं कि ये सोप क्या है, ये डिटर्जेंट क्या है। तो सोप जो आप देखते हो घरों में, आप यूज कर रहे हो डिटर्जेंट जो यूज कर रहे हो, उसका थोड़ा सा केमिकली समझो जरा, तो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। एक सोप जो होता है उसमें सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन होती है विद कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन, सोडियम पोटेशियम की, जो आपकी सोडियम पोटेशियम आपके लगे रहते हैं लॉन्ग चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जैसे आपको ये दिख रहा है एक, ये इस तरीके से जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन में ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, ऐसा गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे ऐसे, और साथ में एनए लगा हुआ है, एनए पॉजिटिव। तो ये जो एनए पॉजिटिव है, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना, सी डबल ओ एन ए पॉजिटिव पढ़ रहे थे, याद आया कुछ? तो ये इसको बोला जाता है, इसका आयनिक एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था ना अभी, इसको बोला जाता है ये इसके आयनिक एंड है सी डबल ओ एन ए पूरा, और इससे पीछे जो चेन होती है, कोई भी चेन लगी होगी यहाँ पे, वो होता है इसका टेल, ठीक है, ये टेल होती है और ये हेड होता है। तो ये जो हेड होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रोफोबिक, ठीक है, और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि एक मिनट, इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोफोबिक जो आपको बताया जा रहा है सी डब्ल्यू एन ए पॉजिटिव, ये कैसा है, एन ए पॉजिटिव है, और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर तो पोलर नेचर का होता है, तो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाटर के साथ में क्या करेगा, वाटर वाटर और दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये तो फोबिक होगा, ये दूर जाना चाहेगा, जबकि जो चेन होगी, ठीक है, जो आपकी टेल होगी वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोफिलिक होगी, सॉरी हाइड्रोफिलिक होगी, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोफिलिक होगी तो वो आपके H2O के पास में जाना चाहेगी। तो जो आपका एक हेड है एक टेल है, इस हेड और टेल में क्या कहानी है जरा देखो फिर से, जो सी डबल ओ एन ए होता है इसको हम बोल देते हैं हेड, ठीक है, और पीछे जो आपकी कार्बन की चेन होती है उसको हम बोलते हैं टेल। ये जो टेल होती है ये हाइड्रो, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक लिख दिया था, हाइड्रोफिलिक होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है, तो ये वाटर से दूर जाना चाहेगी, ठीक है, और ये वाटर के पास जाना चाहेगी, तो जो वाटर के पास जाना चाहेगी वो तो चिपक जाएगा जाकर के किससे, वाटर से, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होगा वो क्या करेगा, वो निकलने वाटर से जो डस्ट पार्टिकल होंगे उसको भी लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला जो आपका हेड होता है, इसमें जो हेड दिख रहा है वो क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या ऑयल ड्रॉप के कोई भी पार्टिकल है या जैसा भी पार्टिकल आपका डस्ट का है उसको लेकर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ओके। तो आप समझ पाए होंगे कैसे, और मेरा पेन गिर गया है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, कुछ ज्यादा ही सोप
अच्छे से समझाया मैंने, फैन गिर गया। ठीक है, तो फिर डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट होता है, ये तो सोप की कहानी हो गई। ठीक है, सोप में क्या होता है, एक चेन होती है लॉन्ग चेन, जो कि किससे जुड़ी होती है, C00Na पॉजिटिव से जुड़ी हुई होती है। और ये जो C00Na पॉजिटिव होता है, ये हेड होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और यही निकल करके, यही लेकर के सारे डस्ट पार्टिकल को ले जाता है। डिटर्जेंट भी सेम इसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका डिटर्जेंट होता है वो सल्फोनिक एसिड के साथ में, आपकी बेंजीन रिंग के साथ में, ये सल्फोनिक एसिड जो होता है वो जुड़ा रहता है सोडियम सॉल्ट के साथ में, यानी कि सल्फोनिक SO4- Na पॉजिटिव जो है, ये इसका हेड होता है। यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हेड होता है, पीछे क्या होता है, बेंजीन लॉन्ग चेन रहती है बेंजीन की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें C12 होता है। ओके, बेंजील पूरे चेन को बोलते हैं C6H4SO4- Na पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके पीछे लगी रहती है C12H25 की चेन, तो ये होती है, इसको हमने अगर R माना तो ये हमारा हो जाता है C6H4SO4- Na पॉजिटिव। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, ये इसमें हाइड्रोफोबिक होता है, और पीछे वाला हिस्सा यानी कि R वाला हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो तुम्हें सोप की कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी है, अभी और समझ में आएगी जब तुम देखोगे कि सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से एक्शन करते हैं। देखो भाई, जब सोप सॉफ्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो वो लेदर्स इजिली देता है। लेदर्स मतलब जो फोम होता है, जो फोम होता है वो इजिली देता है, और यहाँ पे कोई भी स्कम नहीं फॉर्म होता है। स्कम का मतलब है जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बेकार की जो चीज होती है, जो वाटर में आपके ऊपर आ जाती है, डस्ट पार्टिकल जो होती है, अनवांटेड पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर के साथ में, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ में ये क्या करता है, लेदर को इजिली नहीं बनाता है, जबकि सॉफ्ट वाटर के साथ में इजिली बनाता है। हार्ड वाटर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जो हार्ड वाटर होता है उसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। हार्ड वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड D2। ओके, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये कैसा होता है, हैवी वाटर होता है, इसीलिए इसको हार्ड वाटर भी कहते हैं। तो ये हार्ड वाटर के साथ में क्या करता है, ये लेदर नहीं फॉर्म करता है, और ये रिएक्ट करता है विद Ca2+ एंड Mg2+ आयंस के साथ में टू फॉर्म इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट कॉल्ड स्कम। और ऐसे पार्टिसिपेट बना देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, उन्हीं को हम स्कम कहते हैं। जबकि डिटर्जेंट क्या कर रहा है, देखो सोप का समझ आ गया, सॉफ्ट वाटर के साथ में फोम तैयार कर रहा है, स्कम कोई नहीं बना रहा है। जबकि हार्ड वाटर के साथ में सोप क्या कर रहा है, लेदर कोई फॉर्म नहीं कर रहा है, जो फोम है वो कोई फॉर्म नहीं कर रहा है, और रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में, और कुछ इनसॉल्युबल फॉर्म्स बना रहा है। डिटर्जेंट देखो क्या कर रहा है, सॉफ्ट वाटर के साथ में ये भी फॉर्म बनाता है, अच्छे खासे झाग होते हैं इसमें भी, और नो स्कम फॉर्म, इसमें कोई भी ऐसा इनसॉल्युबल चीज नहीं बनाता है ये। ठीक है, कोई स्कम नहीं मिलता है वहां पर। जबकि ये भी हार्ड वाटर के साथ में लेदर्स इजिली बना देता है, और स्कम इसमें भी कोई फॉर्म नहीं होता है। मतलब ये सॉफ्ट के साथ में भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि हार्ड वाटर के साथ में कर रहा है, जबकि जो सोप है वो सॉफ्ट वाटर के साथ में अलग रिएक्ट कर रही है, और हार्ड वाटर के साथ में अलग रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर के साथ में भी एक फॉर्म बना दे रहा है। ठीक है, और इसीलिए जो है आपका डिटर्जेंट जो है बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि ये हार्ड वाटर के साथ में भी लेदर फॉर्म कर सकता है, समझ रहे हो। और सोप क्या कर रहा है, सोप आपका सॉफ्ट वाटर के साथ में ही केवल लेदर फॉर्म कर रहा है, हार्ड के साथ में नहीं कर पा रहा है, इनसॉल्युबल आपके पार्टिकल्स बना देता है, पार्टिसिपेट बना देता है, जिसको हम स्कम कहते हैं। अगर हम बात करें सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, सीधा सीधा डिफरेंस निकालें, तो आपका जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आपने पता आपको पता है बायोडिग्रेडेबल चीजें कौन सी होती है, जो इको फ्रेंडली होती है। और डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इसीलिए डिटर्जेंट बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता है हमारे लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सोप है नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ में सुटेबल नहीं है ये, क्योंकि ये फोम ही नहीं बनाएगा, जबकि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर के साथ में भी सुटेबल है। नंबर थ्री इज, बहुत मेन मेन पॉइंट ये डाले हैं, तो इसलिए आपको ये पॉइंट अगर आप लिख कर आओगे मोर देन इनफ है। तो रिलेटिवली वीक क्लीनेंसिंग एक्शन रहता है इसका। सोप का कैसा होता है, वीक क्लीनेंसिंग एक्शन होता है। जितना आप डिटर्जेंट को अगर आप देखो तो वो स्ट्रॉन्ग क्लीनेंसिंग एक्शन रहता है, स्ट्रॉन्गली वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को निकाल देता है, जहां सोप नहीं निकाल पाता है उतना। ठीक है, रिलेटिवली वीक होता है, वैसे अच्छा है ये भी। अब बात करते हैं
मीसल्स की। मीसल्स क्या है, ये कहाँ से आया? तो सोप और डिटर्जेंट से ही मीसल्स निकल करके आया। क्यों, कैसे, कब? तो ऐसे समझो कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपका COONa पॉजिटिव वाला जो आपका एंड होता है उसे हम आयन एंड कहते हैं, आयनिक एंड, और ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, यही बताया था। और हाइड्रोफिलिक कौन सा होता है? जो पीछे कार्बन की चेन होती है, कार्बन चेन, ठीक है? तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में देखो, सपोज ये आपका कोई, जब आप कपड़ों से डस्ट पार्टिकल निकालने के लिए सोप का यूज करते हो तो देखो क्या होता है। सपोज ये आपकी ऑयल ड्रॉप है। अब इस ऑयल ड्रॉप, ये ऑयल ड्रॉप क्या है, एक तरीके से स्कम है। स्कम मतलब कि एक स्कम तो नहीं कहा जाएगा, एक ये ऐसा है जो डस्ट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस डस्ट पार्टिकल को कौन निकालने में मदद करेगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट को कौन निकालने में मदद करेगा? तो वो होता है हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि COONa पॉजिटिव क्या करेगा, जा करके इससे अटैच हो जाएगा और फिर निकालने में मदद करेगा किसको, इस डस्ट पार्टिकल को बाहर, ठीक है? तो ये जितने भी आपके Na पॉजिटिव और जो कार्बन चेन की जो एंड चेन है, यानी कि जो हेड और टेल है, जाकर के उस डस्ट पार्टिकल से चिपक जाती हैं और जब बाहर निकलती हैं तो इसको भी लेकर के बाहर चली जाती हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये जो फॉर्मेशन आप होता हुआ देख रहे हो, इसी को ही हम मीसेल्स बोलते हैं। अब जैसे जो सोप है, क्लीनिंग में उसका कैसा इफेक्ट होता है, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक बार, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि जो आपका सोप होता है, सोप, ठीक है, उसमें एक एंड होता है, ये वाला ऊपर वाला देख रहे हो, तो एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक, एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो जा करके डस्ट पार्टिकल से चिपक जाता है। ग्रीस, सपोज ये ग्रीस है या कोई डर्ट है, ठीक है, ये ग्रीस या डर्ट है किसी कपड़े पे, तो जा करके कौन सा वाला हिस्सा चिपका, जा करके फोबिक वाला जा करके लग गया इस पर जाकर के, और जो आपका फिलिक वाला था वो तो वाटर में ही डिजोल्व हो गया, वाटर के साथ में उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, फिलिक है इसीलिए, लविंग है। फिलिक मतलब लविंग होता है, फोबिक मतलब डर लगना, मीन्स दूर भागना। तो फोबिक क्या करेगा, जा करके डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो खींचने लगेगा अपने तरफ, इस तरीके से पुल करने लगेगा अपने तरफ और निकलने का ट्राई करेगा और डस्ट पार्टिकल को कुछ इस फॉर्म में बाहर निकाल देगा। जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो डस्ट पार्टिकल को पूरा पूरा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं मीसल्स, ठीक है, समझ गए? तो मीसल्स क्या है, मीसल्स है आपकी, जब आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब हाइड्रोफोबिक एंड किसी डस्ट पार्टिकल से जाकर के स्टक हो जाता है और क्या कर लेता है, इस तरीके से सर्कुलर वे में स्ट्रक्चर बना लेता है। तो कितना समझ में आया आप लोगों को, कितना ज्यादा समझ में आ गया? मीसल्स समझ में आया सभी बच्चों को? मीसल्स क्या होता है, क्या होता है सोप एंड डिटर्जेंट, सभी बच्चों को समझ आया? ठीक है, तो ये सोप डिटर्जेंट ये पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो रिएक्शंस आज मैंने करवाई हैं आपको, कौन सी रिएक्शन करवाई है, एथेनॉल और आपकी एथेनोइक एसिड की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आपका एक और चीज मुझे यहाँ पर बतानी है, जो सोप होता है, सोप में जो कार्बन की चेन होती है उसमें C17H35 मिलते हैं, ठीक है, C17 17 कार्बन के एटम और हाइड्रोजन 35 मिलते हैं। और जबकि यहाँ पर जो आपका ये वाली चेन आप देख रहे हो डिटर्जेंट वाली, इसमें आपके कार्बन के 12 और H25 मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप इस पूरे फॉर्मूले को याद रखेंगे, C70H35 COONa पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपको पहचानना रहेगा। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो आपको थ्योरेटिकली ऐसे ही पूछ लेंगे वो, डिफाइन द सोप एंड डिटर्जेंट और राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इट, या फिर ऐसे ही पूछेंगे कि अगर एमसीक्यूज में डाल दिया तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सोप का मॉलिक्यूल है, तो आपको पहचानना होगा। इसीलिए मैंने थोड़ा फोकस C17H35 और C12H25 पर किया। क्या समझ पाए मेरी बात को? तो आज हमने कितना कुछ पढ़ा, एक बार देखें, गो थ्रू करें। चलो भाई, तो आज हमने पढ़ा था कि कार्बन और इट्स कंपाउंड में एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो उसमें हमने रिएक्शन विद सोडियम पढ़ा, रिएक्शन विद हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा हमने इसका, ठीक है, एथेनॉल का। उसके बाद में हमने एथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करा थ्रू ऑक्सीडेशन।
देन हमने एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एस्टरिफिकेशन पढ़ा एंड हमने सपोनिफिकेशन पढ़ा। सपोनिफिकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी रिएक्शंस थे जो हमने कंप्लीट की। देन हमने सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ा बच्चों, और हमने इसमें देखा कि सॉफ्ट वाटर के साथ में ये कैसा रिएक्शन करता है और हार्ड वाटर के साथ में कैसा रिएक्शन करता है। फिर हमने डिफरेंस भी देख लिया कि सोप और डिटर्जेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। मीसल्स पढ़ा, मीसल्स क्या होता है, किस तरीके से ये मिलता है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना करके दिखाओगे, एन ए पॉजिटिव हेड दिखाओगे और ये टेल जाकर के ड्रॉपलेट से चिपक रही है, स्टक हो रही है, तो आप ये दिखाओगे थोड़ा सा। ये स्टेप्स अगर आप दिखा देते हो तो बिल्कुल मजा आ जाएगा एग्जामिनर को और आपको नंबर दे देगा फुल। तो आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं आई होप आप याद करोगे, समझोगे एक बार फिर से, एक बार जहां पर भी आपको डाउट है एक बार फिर से जाकर के वीडियो को चलाओ और देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। ठीक है, और मेरा मानना यह है कि आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर जब क्लास में हो, एंटर कर गए तो आप यहीं पर ही, आधी तैयारी तो आपकी यहीं पर ही हो जाए। आधी इसलिए बोला मैंने क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनवा सकती हूँ, लेकिन बाकी की मेहनत आपकी ही है। तो एग्जाम आने वाले हैं भाई, लगे रहो अच्छे से, चलते हैं अभी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में लेकर के कुछ नया। ठीक है, नया चैप्टर, नई शुरुआत। ओके, तो इसका रिवीजन करना, अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।